हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है। ये देश एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप सूरज को प्रशांत महासागर में उगते और अटलांटिक पर अस्त होते देख सकते हैं। ये देश भले ही मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश हो, लेकिन यहाँ का वाइल्ड लाइफ सबसे अलग है। इस देश में पक्षियों की 970 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि यहाँ एक ऐसी नहर है जहाँ से एक जहाज को अपना रास्ता पार करने में 10 घंटे तक का समय लग जाता है। साथ ही ये एक ऐसा देश है जहाँ से एक ही दिन में 2 महासागरों को पार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये वो देश है जो एक अनोखे कल्चर के मिसाल है। कम सुविधाओं में कैसे जिया जाता है, दूसरे देशों को पैनामा से सीखना चाहिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैनामा देश के, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। पैनामा का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पैनामा और पैनामा की राजधानी है पैनामा सिटी। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक पैनामा की जनसंख्या करीब 40 लाख है और ये दुनिया के 223 देशों में जनसंख्या के हिसाब से 132वें स्थान पर है। पैनामा सिटी इस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और इस देश की लगभग आधी आबादी यहीं रहती है। यहाँ की आबादी 14 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया में पैनामा सिटी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ के शहर के अंदर रेन फॉरेस्ट है। आबादी के लिहाज से पैनामा मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश है और इस देश की आधी आबादी भी इसी शहर में रहते हैं। ये शहर देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ बैंकिंग हब भी है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बैंकिंग इसी शहर से की जाती है। पैनामा का नेशनल लैंग्वेज स्पेनिश है। देश की सीमा कोस्टा रिका और कोलंबिया से जुड़े हुए है और ये तीनों देश मुख्य रूप से स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग नजर आएंगे। पैनामा शहर अमेरिकी महाद्वीपों में सबसे पुराना, सबसे लंबा और लगातार चलने वाली नगर परिषद होने का दावा करता है। पैनामा देश के इकोनॉमी कार्गो शिप्स, रिफाइंड पेट्रोलियम और टूरिज्म पर निर्भर है। इस देश में एक ऐसी नहर है जो इस देश की इकोनॉमी का एक तिहाई हिस्सा जनरेट करते हैं। पैनामा देश के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लिटरेसी रेट 94% है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा है। पैनामा देश की 68% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। पैनामा में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें रोमन कैथलिक्स की आबादी 85% और प्रोटेस्टेंट्स की आबादी 15% है। पैनामा देश को इस्थमस के रूप में भी जाना जाता है। यूरोपियन कॉलोनिस्ट के आने से काफी पहले पैनामा मूल रूप से स्वदेशी चिपचा, कोकोअन और कुएवा लोगों द्वारा बसा हुआ था। 1821 में पैनामा स्पेन से स्वतंत्र हुआ। पैनामा एक ऐसा देश है जो अपने 2 स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहले दिन पैनामा स्पेन से आजादी मिलने पर सेलिब्रेट करता है, जबकि दूसरे दिन कोलंबिया से आजादी मिलने पर। दोस्तों पैनामा देश की वाइल्ड लाइफ सबसे बेहतरीन है। यहाँ जंगलों में रहने वाले कई जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो बाकी देशों में देखने को शायद ही मिले। यहाँ के जंगलों में 1500 से अधिक अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। मध्य अमेरिका में पाई जाने वाली 6 सबसे बड़ी और अनोखी बिल्लियों में से 5 तो पैनामा के जंगलों में ही घूमती नजर आती हैं, जिसमें प्यूमाज, ऑसलॉट्स, मर्गेस, जैगुआर और जैगुआरिंडिस जैसी खतरनाक बिल्लियों के नाम शामिल है। इसके अलावा पैनामा के जंगलों में पक्षियों की 970 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। क्या आपको पता है पैनामा से अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच की दूरी महज 80 किलोमीटर की है। यानी कि पैनामा एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप एक दिन में 2 महासागरों को पार कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। पैनामा में मौजूद डेरियन रिफ्ट एक ऐसी जगह है जिसे पार करना सबसे खतरनाक माना जाता है। इस जगह का पूरा इलाका घने वन और दलदल से भरा हुआ है। यहाँ के लोग इस जगह के आसपास भी नहीं फटकते। दोस्तों अब बात करते हैं पैनामा नदी की, एक ऐसी नदी जो इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। ये नदी इतनी लंबी है कि उसे पार करने में ही जहाजों को औसतन 10 घंटे लग जाते हैं। इस नहर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसे पूरी दुनिया पैनामा नहर के नाम से भी जानते हैं। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं। इस नहर का निर्माण आज से 100 साल पहले 1881 में किया गया था। पैनामा का सबसे ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। इस नहर से हर साल 15,000 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। पैनामा नहर मीठे पानी की झील गैटून से होकर गुजरते हैं। कहते हैं कि फ्रांस ने लगभग 9 साल तक इसे बनाने का काम किया, लेकिन इस दौरान यहाँ करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। पैनामा नहर पर अटलांटिक ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा कंक्रीट का 4 लेन का पुल है और उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को जोड़ने वाले जलमार्ग पर बने 3 पुलों में से एक है। पैनामा का सबसे ऊंचा स्थान वोल्केन बारू है, जो एक ज्वालामुखी भी है। इस पॉइंट की ऊंचाई 3,474 मीटर है। पैनामा दुनिया में माल ले जाने वाले जहाजों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। पैनामा का द मर्चेंट मरीन फ्लीट यूएसए के साइज से 2 गुना बड़ा है। इस सबके अलावा पैनामा प्राकृतिक संसाधनों जैसे तांबे और लोहे के साथ साथ महोगनी लकड़ी का भी काफी बड़ा प्रोड्यूसर है।
चीन और अमेरिका पैनामा के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि कोका कोला बेचने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर पैनामा पहला देश था। ये सुपर पॉपुलर ड्रिंक पहली बार यहाँ 1906 में बेचे गए थे। अगर इस देश के फूड की बात करें तो यहाँ सेम, चावल, केला और ताजे फल की सब्जियाँ पैनामा के लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। चिकन और मछली या समुद्री भोजन इस देश में हर मील के साथ परोसे जाते हैं। पैनामा का कल्चर यहाँ की पहचान मानी जाती है। पैनामा में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक एक लंबी पूरी स्कर्ट वाली सफेद सूती पोशाक है, जिसे पोलारा कहा जाता है। ये रंगीन कढ़ाई से ढके होते हैं। वहीं पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक एक ओक्यूएनो मोंटोनो है, जो कढ़ाई वाली सफेद सूती शर्ट है जिसे पैंट के साथ पहना जाता है। दोस्तों, पैनामा में आज भी कुना आदिवासी रहते हैं। यहाँ रहने वाले कुना आदिवासी अपनी पुरानी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इस जाति के लोग मिट्टी से बने बर्तन और वास्तुकला से जैसे अलग अलग व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं। कुना आदिवासियों की महिलाएं मोल के लिए हर जगह प्रसिद्ध हैं। इन महिलाओं के कपड़ों पर बने अलग अलग तरह के डिजाइन इनकी पहचान है। पैनामा की अनोखी संस्कृति उनके संगीत और कला में भी दिखाई देती है। यहाँ का म्यूजिक पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इसके साथ ही दोस्तों, टैम्बोरीटो पैनामा में एक पारंपरिक डांस फॉर्म है। ये डांस फॉर्म वास्तव में स्पैनिश मूल का है, जिसे अफ्रीकन रिदम्स को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के म्यूजिक और डांस को काफी फॉलो करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, फुटबॉल और बॉक्सिंग के साथ साथ बेसबॉल पैनामा का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। ये दोनों खेल आपको इस देश के कोने कोने में लोग खेलते हुए दिख जाएंगे। पैनामा की खुद की नेशनल फुटबॉल टीम भी है। दोस्तों, पैनामा में एक अजीब सा कानून है। यहाँ वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और कानून इसे रेगुलेट भी करता है। पैनामा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए इस देश के कानून बाकी देशों से अलग चलते हैं। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि पैनामा में होमोसेक्सुअल कपल्स को उतने हक नहीं दिए गए हैं जितने एक आम कपल को उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं, जिनके तहत ही इन कपल्स को अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों, इस देश को लेकर एक और अजीब सी बात है, और वो ये है कि पैनामा में दूसरे देशों से रिटायरमेंट के बाद लोग रहने के लिए आते हैं, और वे ज्यादातर यहाँ रियल स्टेट के बिजनेस में हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान कई देशों में अजीब से कानून बनाए गए थे, जिनमें से एक पैनामा देश पे था। यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सरकार ने काफी सख्ती अपनाई थी, हालांकि इनका तरीका थोड़ा अलग था। दरअसल पैनामा में घर से बाहर निकलने के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग दिन थे। जैसे कि महिलाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सिर्फ 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकल सकते थे, जबकि पुरुषों के लिए अलग से दिन थे। दोस्तों, पैनामा देश अपने क्राइम रेट के लिए थोड़ा बदनाम है। यहाँ आपको क्राइम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और हम यहाँ छोटी मोटी चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। हिंसक अपराध जैसे डकैती, गोलीबारी, बलात्कार, डकैती और कार जैकिंग जैसे बड़े क्राइम्स शामिल हैं। रात को तो यहाँ लोग कुछ जगहों पे काफी संभल के निकलते हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी भी बहुत ही कम लोगों को होगी कि पैनामा का नाम उन देशों की सूची में शामिल है जहाँ की नागरिकता पाना सबसे आसान माना जाता है। इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना पड़ता है, एक मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद, साथ ही 5 साल तक पैनामा में रहने के बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी पैनामा की नागरिकता प्राप्त महिला या पुरुष से शादी करते हैं, तब भी आपको यहाँ की नागरिकता आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों, इस देश में पक्षियों की काफी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों की जितनी प्रजातियाँ कनाडा और अमेरिका को मिलाकर नहीं पाई जाती होंगी, उससे ज्यादा इस छोटे से देश पैनामा में पाई जाती हैं। पैनामा शब्द को पारंपरिक रूप से मछलियों का स्थान कहा जाता है। यहाँ के लोग मछलियों का काफी सम्मान करते हैं। हार्पी ईगल पैनामा का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी हर तरह से काफी खास माना जाता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि हार्पी ईगल 6 फीट तक अपने पंख फैला सकते हैं। पैनामा के नेशनल एंथम को हिम्नो एस्तमेनो कहा जाता है। अगर पैनामा के नेशनल एंथम का अनुवाद करें तो इसका मतलब आखिरकार हम जीत तक पहुंच गए निकल के सामने आता है। पैनामा में बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ पर बिना एसी के रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पैनामा में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बहुत ही कॉमन सी बात है, साथ ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो यहाँ दिन के समय बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जहाँ सबसे जहरीले मेंढक की प्रजाति डार्ड फ्रॉग देखने को मिले, और पैनामा उन देशों की सूची में शामिल है। इस देश में डार्ड फ्रॉग काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इन फ्रॉग्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेंढकों की ये प्रजाति काफी जहरीली होती है, और इस तरह के मेंढक एक पल में ही किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। अगर आप पैनामा जाएं तो इनसे तो दूर ही रहिएगा। दोस्तों, पैनामा खूबसूरती का वो नाम है जिसने आज पूरी दुनिया में टूरिस्ट को अपनी ओर खींचने में खुद को सबसे आगे रखा है। पैनामा साउथ अमेरिका और कोलंबिया के बीच में मौजूद एक छोटा सा देश है जो टूरिस्ट की पहली पसंद माना जाता है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन जितने लोग रहते हैं उन्होंने पैनामा को हमेशा से एक डेवलप्ड देश बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। पैनामा दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सूरज को प्रशांत महासागर में उगते और अटलांटिक पर अस्त होते देख सकते हैं। पैनामा देश की करेंसी है पैनमेनियन बलबोआ और US डॉलर।
यहाँ एक बलबोआ की कीमत भारत के 74.48 रुपए के बराबर है। बता दें कि पैनामा पहला लैटिन अमेरिकी देश था जिसने यूएस मुद्रा को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया था। दोस्तों, पैनामा शहर दुनिया के बाकी शहरों से काफी अलग है। यहाँ आपको काफी चीजें सबसे अलग देखने को मिलेंगे। टूरिस्ट की पहली पसंद बन चुका पैनामा देश खुद में ही कई खासियतों से भरा है। पैनामा छुट्टियां बिताने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको पैनामा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो पैनामा, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।